नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सवंगी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा आठवीं में हिंदी के भाषा संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत श्रवण कौशल एक का मूल्यांकन करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको एक सुंदर सा अंश सुनाया जाएगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का भाषा संवर्धन गतिविधि। मुझे बचपन से ही मानचित्र देखने का शौक है, क्योंकि मानचित्रों के सहारे भी दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो वास्तविक जीवन में भी मैं काफी घूमा फिरा हूं, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। मेरी इस इच्छा ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। मानचित्रों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं भी चले जाइए, कोई रोक नहीं, कोई अड़चन नहीं, जब चाहे लौट आइए या ना भी लौटिए, कोई पूछने वाला नहीं कि हजरत कहाँ भटक रहे थे। यों तो मानचित्रों में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है यह निश्चय करने की कि कहाँ जाएं, जिससे हरी भरी जगह देखनी हो वह मानचित्रों की हरी भरी जगहों में घूमें, जिससे पहाड़ी प्रदेश देखने हो वह भूरे या पीले प्रदेश में जाएं, और जिसे एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो वह बिल्कुल सफेद हिस्सों की ओर चले जाए, बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र में, समुद्री द्वीपों में, कहीं भी जा सकते हैं। मानचित्रों में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश का सर्वे नहीं हुआ है। हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं, असमिया सीमा प्रदेश में भी ऐसे स्थल है। जरा कल्पना कीजिए, ऐसी जगहों में घूमने का आनंद, वाह मजा आ जाएगा। मैं लगातार कुछ दिन भी एक जगह रहता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से, और उस लाचारी में बहुत से मानचित्र इकट्ठे कर फिर अपने लिए कोई नई जगह खोज लेता हूँ। तो ये थी मेरी मानचित्र की सुंदर सी कहानी, क्योंकि मुझको बचपन से ही मानचित्र देखने का शौक है और इसी मानचित्र के सहारे मैं देश दुनिया की घूमने की, सैर करने की जो आनंद है उनको ग्रहण करता। प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा अंश। अब नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर सुने हुए अंश के आधार पर देंगे। तो आइए नीचे प्रश्नों की ओर और सही विकल्प चुनेंगे।